राम की नगरी अयोध्या में पिछले दो सालों की तरह इस बार भी दीपोत्सव का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। तीन दिन तक चलने वाले दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरी सरकार अयोध्या पहुंचेगी। इस दिन अयोध्या में 5 लाख से ज्यादा दीप जलाकर नया विश्व कीर्तिमान भी बनाया जाएगा। वहीं संस्कृति विभाग की तरफ से भी अयोध्या में जगह जगह रामलीला का मंचन किया जाएगा। इसमें 10 स्वदेशी और 5 विदेशी रामलीला मंडलियां मंचन करेगी। इस बार की दीपावली बहुत ही अभूतपूर्व आयोजन होगा और इसमें दीप तो जो जलाए जा रहे हैं वो अवध विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन, संस्कृति विभाग द्वारा करीब 30 से 35 फोक डांस की टीमें होंगी और भारत के प्रसिद्ध रामलीला मंडलियां करीब 10 होंगी और 5 विदेशों की रामलीला मंडलियां होंगी। उसके बाद संस्कृति विभाग के द्वारा ही जिम्मेदारी मिली है कि राम की पैड़ी पर बने बुर्जों पर हजारा दीपक भी लगाए जाएं और इस वर्ष दीपावली फैजाबाद और अयोध्या में करीब 12 स्थानों पे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। पिछले साल की तरह इस बार भी रामचरितमानस पर आधारित 11 झांकियां साकेत महाविद्यालय से निकलकर रामकथा पार्क तक पहुंचेगी। इस दौरान करीब 30 फोक डांस की मंडलियां भी बीच बीच में अपनी कला से दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करते रहेंगे। इसी बीच त्रेता युग के तर्ज पर आकाश मार्ग से राम सीता लक्ष्मण और हनुमान के स्वरूप रामकथा पार्क पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विदेशी मेहमान उनका स्वागत करेंगे और राज्याभिषेक करेंगे। दीपोत्सव का यह जो कार्यक्रम है, पहले शोभा यात्रा साकेत महाविद्यालय से निकलेगी, मुख्यमंत्री जी उसका अवलोकन करेंगे, फिर कई योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे, फिर प्रभु श्री राम का राज तिलक होगा, फिर माँ सरयू की आरती होगी और दीपकोत्सव, और उसी के साथ साथ और उसके बाद 6 देशों की रामलीलाएं होंगी। उसी के साथ साथ कुछ और भी कार्यक्रम लोगों ने निश्चित किया, जो फाइनल नहीं है पूरा, लेकिन कल तक हो जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस बार के दीपोत्सव में 5,51,000 दिए जलाने की व्यवस्था है। ऐसे में हम लोगों ने सोचा है कि अयोध्या में जितने भी पौराणिक कुंड हैं, पौराणिक स्थल हैं, उन पर भी दीप जलाए जाएं। उसी क्रम में नगर निगम ने यह निर्णय लिया है कि हम अपने सभी पार्षदों के साथ मिलकर और जो हमारे वार्ड की स्वच्छता प्रोत्साहन समिति है उनके साथ मिलकर सभी कुंडों पर और हम लोग हर घर तक पहुँचने वाले हैं। वहीं डॉक्टर राम मनोहर विश्वविद्यालय को इस बार के दीपोत्सव में राम की पैड़ी पर दीपक लगाने से लेकर कई अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसको लेकर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को लगाया गया है। आज जो है कि ये दीपोत्सव का आज पहला दिन मतलब स्टार्टअप है, आज और आस्था किया गया, इसमें हम लोगों ने भाग लिया, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग ने 15 किलोमीटर की दौड़ की और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या को एक नई शुरुआत दी और बहुत अच्छा लगा। आस्था का प्रतियोगिता हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा कराई गई, जिसमें 3,000 कुछ प्रतिभागी भाग किए, जो 17 किलोमीटर का दौड़ जो 5 किलोमीटर मार्ग होते हुए उसको कम्प्लीट किए हैं, जिसमें टॉप 50 जितने अभ्यर्थी हैं उनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है और जितने हमारे निर्णायक बंधु थे, लगभग 27 निर्णायक बंधु थे, उन सबको मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया है। और ये हमारे दीप उत्सव के बढ़ावा देने के लिए, अयोध्या को बढ़ावा देने के लिए ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। अयोध्या में सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। सरकार की तरफ से सावधानी बरतने, लावारिस चीजों के बारे में जानकारी देने और सतर्क रहने के पोस्टर लगाए गए हैं। पूरे शहर में सतर्कता के खास निर्देश हैं। पुलिस अर्धसैनिक बल की तादाद काफी बढ़ाई गई है। हालांकि अयोध्या में धारा 144 लगी हुई है, लेकिन दीपोत्सव के राजकीय मेले में लोगों के आने जाने पर कोई रोक नहीं। अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।